मैं आपसे जानना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिहि वसहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पहले से जवाब शुरू करना चाहूँगा जो आपने बात कही थी, और मैं स्टार्टिंग से जो डिस्कशन फॉलो कर रहा हूँ, और ज़रूरी है, हम सब एक कॉज के लिए यहाँ जमा है और हम सब का एक मकसद है कि हम कुछ रोल अदा करें, और मैं समझता हूँ सारे नाज़रीन और इंडिविजुअली हर एक इंसान सोल्यूशन का हिस्सा ज़रूर बन सकता है। लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि सही डायग्नोसिस अगर हो जाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे अहम और पहला कदम है। तो आप डायग्नोसिस में जो ये अल्फाज हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, मीडिया में भी इस्तेमाल होते हैं, कि जैसे इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमिज्म, अब ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर कोई अगर इंतहाई सच्चा है, इंतहाई ईमानदार है, इंतहाई ऑनेस्ट है, इंतहाई अच्छा है, तो उससे किसी इंसान को कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? तो इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है, एक्सट्रीमली सच्चा है, एक्सट्रीमली अच्छा है, तो उससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो हकीकत में क्या एक्सट्रीमिज्म रियली प्रॉब्लम है? तो हमें देखना है कि इंतहा पसंदी ये जो लफ्ज़ है, और क्या बिलीव्स कोई फॉलो कर रहा है जिन्हें वो इंतहाई फॉलो कर रहा है? मान लीजिए अगर बिलीव्स खुद ही गलत हैं और वो गलत है, इंतहाई बुरा है, इंतहाई चीटर किस्म का इंसान है, तो नेचुरली बुरी बात है। दूसरी बात, जैसे श्रद्धा का मामला है और श्रद्धा अच्छी प्रिंसिपल्स के तहत हो, क्योंकि एक बात श्योर है कि सारे इंसानों का मालिक है, और जो हम सब का मालिक है वो एक है, और वो मालिक हमें रास्ता बताता है, और इंसानों के लिए जो रास्ता आया है वो रास्ते पर जो चलेंगे जो लोग, वो इंतहाई उस रास्ते पर चल के इंसानों के लिए भलाई का जरिया बनेंगे।